This is a phone interview with Raghavendra Singh, who was the coach who gave us the chain of events. Now, he says that the first batch was stopped day before yesterday, and the second batch, consisting of players from Arunachal Pradesh, did not go. The CISF Jawans and immigration officers had stopped us. These are all quotes. Then Arunachal Pradesh players were first denied a visa. Then when we requested, they got a stapled visa. We were told that it is a government decision. We want the government to send at least 5 other players, or else their efforts will go to waste. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. हमें बताया गया कि आप लोगों को परसों रोका गया एयरपोर्ट पे. कल जो और 3 खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश थे उनको नहीं जाने दिया गया. क्या सूचनाएं आपको दी गई जब आपको रोका गया, और क्या सूचना अभी आपके पास है? क्या ये टीम पार्टिसिपेट कर रही है गेम्स में या नहीं? सर, अभी तक जो हमें सूचना मिली है ऊपर, अभी हमारे जो गवर्नमेंट है नेतृत्व, वो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए. अभी तक कोई क्लियर हुआ नहीं है. हालांकि आज शायद 10 बजे तक 11 बजे तक क्लियर हो जाएगा. लेकिन अभी तक हमें यही बताया गया है कि आपको अभी रुकना है, आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये हमारी कंट्री की बात है, तो इसलिए हम लोग वहां पर रुके. आपको किससे, किसने बताया ये? ये हमारे सर इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे और CISF के जवान थे वहां पे. वो आए हमारे पास, उन्होंने बोला कि सर आपको रोकना पड़ेगा. हाँ. और कहीं ऊपर से ऑर्डर था ये पता नहीं. तो ये जो 3 बच्चे अरुणाचल के हैं, इनका क्या नाम है, और इनको स्टेपल्ड वीजा दिया गया था, और इनकी फिर से बोला गया था कि इनकी एप्लीकेशन मूव करो एम्बेसी में? सर, हमने इनके नहीं, इनको हमने जो पहले एप्लीकेशन लगाई थी तो उसके बाद उन लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था पहले बार. तो फिर हमने अप्रोच किया, गवर्नमेंट ने हमारे अप्रोच किया होगा, AIU के मेंबर्स ने, हमारे सेक्रेटरी सर ने अप्रोच किया होगा कि इनको सर वीजा दे दीजिए, प्लेयर है, इसको कल्चर को बचाना है, डेवलप करना है. तो उन लोगों ने फिर सर वीजे के लिए एक्सेप्ट किया, तो हमने 25 को दोबारा से इनकी एप्लीकेशन लगाई और इन्होंने 26 को हमें फिर वीजा दिया. तो वो वीजा स्टेबल था सर. अच्छा, और पहले वीजा ही नहीं दिया था? पहले वीजा ही नहीं दिया था सर, पहले कोई जवाब ही नहीं आया था उधर से कि देंगे या नहीं. और ये सिर्फ 3 लोगों पे ही ऑब्जेक्शन लिया जो अरुणाचल प्रदेश से? ये 3 लोग ही है सर जो अरुणाचल प्रदेश के हमारे बच्चे हैं. 3 बच्चे वही बच्चे हैं, उनका स्टेबल वीजा. तो आपने यहाँ पे एम्बेसी में किसी से आप लोगों ने बात किया? आप लोगों ने एम्बेसी में किसी से बात किया? हम लोगों ने सर, हमने तो एसोसिएशन को और जो AIU के मेंबर्स हैं उनको हमने बता दिया कि सर हमें ऐसे से रोक दिया गया है, और ये तो वो लोग अपने स्तर से बात कर रहे हैं हम लोगों से. अभी टीम रोक दी गई है. तो अब आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ना? कम से कम 5 खिलाड़ी तो जाए, टोटल 8 में से 3 खिलाड़ी ये लोग नहीं जाए, तो 5 खिलाड़ी जाए और यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे. तो अगर इनका रिजल्ट आता है अच्छा, तो हम चाइना पे और प्रेशर बना सकते हैं कि हमें आप मेडल टैली पे भी नहीं आने देते हो. तो आप लोगों को ये अंदाजा था कि अरुणाचल प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको ये रोकेंगे, क्योंकि 2011-12 से प्रथा चलती आ रही है, तो स्टेपल्ड वीजा ही देते हैं हमारे एथलीट्स को ये? जी सर. तो आपको हमारे प्लेयर्स को वो हमारे प्लेयर्स ही समझ रहे हैं कि हमारे हमें जो वीजा दिया गया है तो वो हमें नहीं एक्सेप्ट करेंगे वहाँ पे. ये हमें इंडिया गवर्नमेंट नहीं जाने देगी और वहाँ हमें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो उन लोगों ने खुद बोला था सर, एटलीस्ट हमारे ये 5 प्लेयर जिन्होंने बहुत मेहनत की है, मेडल लेके आए, हम चाहते हैं कि ये लोग तो जाए. और अगर ये लोग जाएंगे, मेडल लेके आएंगे, तो कम से कम उनको लगेगा कि ये लोग मेडल लेके आते हैं. तो हमारे 3 प्लेयर्स जो थे वो भी मेडलिस्ट थे, हमें ऑलरेडी थोड़ा मतलब ग्रेटिट्यूड मिलेगा कि हम लोग भी थे मेडल की रेस में. तो अभी तो पार्टिसिपेट नहीं करने से तो किसी को भी नहीं माना जाएगा ना कि वो लोग मेडल लेके आ सकते हैं. हमारे पास लास्ट ईयर जो लास्ट एशियन गेम्स हुए थे उसके मेडलिस्ट प्लेयर हमारे टीम में है सर. ये 3 अरुणाचल प्रदेश के बच्चों का नाम क्या है खिलाड़ियों का? सर, एक अनिलू तेगा, हाँ, नेपुंग लंगू और नेमन वांगशु. नेमन वांगशु, ये तीनों प्लेयर्स जी, ये तीनों प्लेयर्स हमारे अरुणाचल प्रदेश ईटानगर से बिलोंग करते हैं और ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात के स्टूडेंट्स है सर. ओके ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच. ओके सर.